औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में संचालित हो रही खेतान इंडस्ट्रीज में श्रम कानून के उल्लंघन की शिकायत मुख्यालय पहुंची है। मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले फैक्ट्री में 9 बिंदुओं पर अनियमितता एवं श्रम कानून उल्लंघन की शिकायत की गई है। शिकायतकर्ताओं ने बताया, फैक्ट्री में न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, ठेकेदार मनमानी करता है, कई श्रमिकों को मनमाने तरीके से काम से निकाला जाता है, दीपावली पर परंपरा अनुसार बोनस भी नहीं मिला। श्रमिकों ने श्रम अधिकारी से जांच कर कार्यवाही की मांग की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या समस्या सर? इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके इस वर्ष का और पिछले वर्ष का भी बोनस प्रदाय नहीं किया जा रहा है और कई तरह से श्रमिकों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा इनने एक शिकायत हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो इसका संज्ञान लेते हुए हम तत्काल इस शिकायत को अपने मुख्य प्रमुख कार्यालय को अवगत कराएंगे और वहां से जैसे ही हमें परमिशन प्राप्त होती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, वेतन को लेकर भी विसंगति सामने आ रही है जी, उस मेरे पास वो सभी जानकारियां प्राप्त हुई है, उन सभी संबंधों पर विवेचना करते हुए प्रमुख कार्यालय को ये हम अवगत कराते हुए ये पत्र भेजते हैं और जैसे ही हमें परमिशन प्राप्त होगी विधिवत और नियमानुसार कार्रवाई। सर, हमारे को एक तो वेतन कम मिलता है 280 रुपये 8 घंटे और बोनस भी नहीं दिया, ना मिठाई का पैकेट, ना टिफिन, कुछ भी नहीं दिया है हमारे। और मांग करने जाते तो बोलते हैं तुम्हारा गेट बंद कर देंगे, तुमको बाहर भगा देंगे। फिर आपने इसकी शिकायत यहाँ पर की है जी, क्या कहा उन्होंने? यहाँ पर दिया है आश्वासन, यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या अगला कदम रहेगा? हड़ताल करेंगे सर। क्या नाम है आपका? रामलाल। कार्यालय खेतान फर्टिलाइजर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले मजदूरों को लेकर हम श्रम विभाग आए हैं यहाँ पर। इनको विगत 5 साल से और उससे भी अधिक साल होने के बावजूद इनको मजदूरी के नाम पर मात्र 280 रुपये दिए जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट रेट 360 रुपये के आसपास है और 8.33 के हिसाब से बोनस मिलना चाहिए। अगर किसी भी संस्था में 5 साल हो गए हों, जिस संस्था को उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोनस लागू है, वो इनको नहीं दिया गया। और कुछ श्रमिकों को दिया गया ठेकेदार के द्वारा, तो टिफिन दिया गया और मिठाई का पैकेट दिया गया, तो ये उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है और श्रमिकों ने उनको ये बोनस लेने से इनकार कर दिया है। आप क्या मांग करते हो? हम ये मांग करते हैं कि भैया उनको 280 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये पहले तो गवर्नमेंट रेट दिया जाए, ईएसआई का लाभ दिया जाए और जो बोनस 8.33 के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है उस हिसाब से इनको 13वें महीने का वेतन दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ और श्रमिकों को लेकर बड़ा आंदोलन होगा, वो उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन और श्रम विभाग और अलग अधिकारियों की रहेगी। क्या नाम है आप? नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ, जिला मंत्री खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।